स्वागत है आप सभी भाइयों का लब्बर्च यूपी अलीगढ़ यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताते हैं कि बेहतरीन ब्रीड लेने का फॉर्मूला क्या है और उसमें क्या देना चाहिए मिलाकर बाजरे में। देखिए और देखिए किस तरह से तैयार करते हैं, तो वही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बाजरा है 1 किलो, तो इस 1 किलो बाजरे में हमको ये कैप्सूल मिलाना है। आप देख सकते हैं इस पर नाम लिखा हुआ है 600 mg में, लेकिन ये किस प्रकार देना चाहिए और कैसे देना चाहिए कितने दाने में, तो उसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से वीडियो देखने के लिए। तो देखिए भाइयों, हमें उस कैप्सूल को किस प्रकार से मिलाना है। ये जो बाजरा है इसे हमें इस कढ़ाई में इसे गर्म कर लेना है। ये पहले हमने धो भी लिया था ताकि इसमें जो गंदगी है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। इसे हमको धीमी धीमी आंच से सेकना है। थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरी जानकारी देखें ताकि जो आपके बार से उन्हें कोई नुकसान ना हो। बेहतरीन फॉर्मूला है ये, जिस अंडे में से बच्चे नहीं निकलते हैं आपने देखा होगा, और अंडे ख़राब हो जाते हैं और कुछ फीमेल 2 अंडे 3 अंडे ही देती हैं। ये उनके लिए है इतना बेहतरीन फॉर्मूला कि इसे खाने के बाद जो ब्रीड नहीं कर रहे होंगे वो भी ब्रीड करने लगेंगे। आप इन्हें किसी भी बर्ड्स को दे सकते हैं, फ्रेंच जावा। फ्रेंच तो खैर इसे कम खा पाती है, लेकिन यह है कि कॉकटेल लबर्स और डायमंड डव ये काफ़ी शौक से खाते हैं इसे, और जब खिलाने की बात आप देखेंगे कि आपके पास भर भर के अंडे निकल रहे हैं आपकी कॉलोनी में या केज में। इसे हमको मध्य आँच से ही सिर्फ गुनगुना करना है, वो इसलिए जो कैप्सूल है वो एक ऑयल है और वो इसमें अच्छी तरह से मिल सके। आप देख सकते हैं कि ये अब सीख चुका है। इसे हम देखिए ये तैयार हो चुका है, मतलब गर्म हो चुका है। अब इसमें हम उस कैप्सूल को मिलाएंगे और कितना मिलाना है कैसे मिलाना है ये हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहें, काट काट कर ना देखें, कोई भी जानकारी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है। देखिए भाई ये कैप्सूल है जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा 600 mg में, तो इस कैप्सूल को हमें इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। देखिए ये 1 किलो बाजरा है, इस 1 किलो बाजरे में इस 600 mg वाले को एक कैप्सूल को आपको यूज़ कराना है, वो इस प्रकार। देखिए देखिए ये जो कैप्सूल है ये ऑयली कैप्सूल होता है, इसे हमें इस प्रकार से ऊपर से थोड़ा काट लेना है। देखिए और इस प्रकार से इसे सब में मिला देना है।
और जो गर्म करने का हमारा वो था वो इसलिए था, ये ऑयल ही होता है, इससे चुप हो जाता है। तो इससे क्या है कि आराम से गर्म होने के कारण मिल जाएगा। इसे इस प्रकार से मिलाकर और आप अपनी बजरी, कैरोट, लबर, कॉकटेल या अपनी इन सभी को आप दे सकते हैं। और जो इसे देने का तरीका है वो आप एक कम से कम इतना ले लें और कुछ अपने परिंदों के ऊपर है कि आपके पास क्या इतने परिंदे हैं। जैसे जो एक पेयर के लिए जैसे 4 से 5 दाने होते हैं दिन में, तो आप उसी हिसाब से देख लें कि आपको के पास कितनी है। और उस हिसाब से मेरे पास ये भी काफ़ी हैं, इसलिए मुझे इसे जो दाना खाते हैं उसमें इसे मिला दें कमी दाने में। तो आपको इस प्रकार से ये मिला बना लेना है, तैयार कर लेना है। सारी चीज़ें मिला दिए इसमें हम कैप्सूल, जो इसमें अब लेके से जो कमी दाना है उस पर से अपने डाल के थोड़ा सा मिला देंगे, जिससे क्या है कि वो खाएंगे जो इनके ऊपर लगी हुई है। अरे ये बाजरे में हम इसलिए देते हैं कि बाजरा ये यूँ ही खाते हैं, इस पर से छिलका नहीं उतरता है, और जो कम दाना होता है उस पर से छिलका उतार देते हैं तो ज़्यादा असर नहीं होता है। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और जिस चीज़ इससे कोई संबंधित जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं।